गणपति बप्पा विराज नहीं गया था गणपति बप्पा बप्पा वेलकम बप्पा वेलकम होम कल खुलेगा इधर रखो अभी यहाँ रख दो ऐसे रखो से घूम के ना ना अच्छा थोड़ी बप्पा को ऐसे रखो आगे बस आराम से कैसे लगे बप्पा पार्थु अच्छे दक्ष ने तो अभी देखा ही नहीं ये हमारा गणपति है ना तो पार्थु का फ्रेंड ये छोटा गणपति है वो बड़े गणपति है। तो पार्थु और अनुप तो रात को बप्पा को घर ले आए थे और अब सुबह मैं बप्पा के लिए थोड़ा सा पूजा की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। और अनुप ने बोला तुम टेंशन मत लो मैं शूट कर दूंगा तुम बस जैसा होता है वैसे करते जाओ। सच बताऊं तो मैं भी भूल गई थी कि मेरे बप्पा कैसे लगते हैं मुझे कुछ याद ही नहीं था। तो चलो अब बप्पा की मुंह दिखाई करते हैं। करता विघ्नों को तू हरता झोली सबकी भरता है गजानना हो दुख हरता सुख करता विघ्नों को तू हरता झोली सबकी भरता है गजानना सिद्धि का दाता तू विद्या प्रदाता तू हा प्रथम भयाता तू है गजानना गण देवा गण राया शिव गौरी का जाया जय जय गजानना जय जय गजानना मंगल मूर्ति गणपति बप्पा तो गाइस ये रहे हमारे गणपति बप्पा और जितनी भी डेकोरेशन कर लो सब फेल हो जाती है जैसे ही बप्पा का मुंह देखते हैं तो डाल दिया बाबू गंगा जल तो अभी मैंने सारा तो डाल दिया आपने दिया था। हे गाइस वेलकम टू द घर और हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के घर में बप्पा विराजे और सबके घर में रिद्धि सिद्धि लाएं सबके घर में अच्छा स्वास्थ्य लाएं। तो गाइस बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना बन पड़ा उतना बप्पा का कर दिया है मैंने और अनुप ने मिल के और इस बार तो सारा कुछ अनुप ने ही किया है ऑलमोस्ट। और इतने खुशकिस्मत है कि दो दो गाने भी आए हमारे होप आप लोगों ने देखे हो एक तो मैंने शेयर कर दिया था और एक आई थिंक आज मैं कोशिश करूँगी लिंक दे दूँगी वो भी सॉन्ग बहुत अच्छा है तो आप लोग देखना और अपना प्यार देना और बस बप्पा का आशीर्वाद है और ये रहे अनुप गणपति बप्पा थैंक यू आप लोगों का सपोर्ट हमेशा सबसे ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आप ही लोग के होते हैं हाँ आप ही लोग के कमेंट्स से और ये रहा पार्थु अरे नमस्ते करो हैप्पी गणेश चतुर्थी के तो चलो गाइस पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद थोड़ी बात करेंगे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति जय हो गजानन महाराज की जय हो। चलो गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया जय जय गजानना जय जय गजानना सुख करता सुख हरता विघ्नों को तू हरता झोली सबकी भरता है गजानना सिद्धि का दाता तू विद्या प्रदाता तू है प्रथम पूजा जाता है तू है गजानना शिव गौरी का जाया जय जय गजानना जय जय गजानना जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया अगले बरस तू जल्दिया जीवन में तू ही है गजानना तुमसे जीवन का सुंदर हो क्षण क्षण तुम स्वीकार जय गणेश
तो बप्पा मेरे सभी दोस्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, समस्त संसार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सबके घर रिद्धि सिद्धि आए, सबके घर सुख हो, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। गणपति बप्पा मोरिया। तो ये दोस्तों हमारी पूजा हो गई है, बप्पा की पूजा कर ली हमने, अच्छे से आरती कर ली, और अभी तो मावा ये सब लगाया, पर अभी मैं जा रही हूँ बेसन का लड्डू बनाने पप्पा के लिए। तो बस, और गाइस आज एक वैसे थोड़ा सी दुख का समाचार भी है, बड़ी मामी जो देहरादून में रहती थी ना, वो एक्सपायर हो गए, तो थोड़ा ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा भी वो नहीं कर सकते कि घर में किसी की डेथ हुई है, तो मामी एक्सपायर हो गई है। आज सुबह सुबह दीदी का फ़ोन आया, उन्होंने बताया बहुत टाइम से कैंसर से परेशान थे। तो बस गाइस बहुत ज़्यादा तो मन ऐसे, वैसे भी हम लोग, मैं भी कुछ ठीक नहीं थी, तो जितना बन पड़ा जैसा है कर दिया है, और आप लोगों के लिए ब्लॉग भी शूट कर दिया है। और अनूप कल पप्पा को लेने गए थे, पार्थ और अनूप ही गए थे, तो वो भी इसी में आगे ऐड कर देंगे। अनूप और कर दोगे ना? तो बस मैंने अनूप को बोला है कि आप जितना हो सके शूट कर देना, नहीं भी होगा क्योंकि इनका भी अपना काम है दोस्तों। लेकिन आज पप्पा का पहला दिन है और हमें नहीं पता कितने दिन रहेंगे। मैंने अनूप मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा जितने दिन पप्पा का मन करेगा, 3 दिन बोले, 5 दिन बोले, 7 दिन बोले, जैसा जो रहेगा, क्योंकि इनको भी अभी बीच में दिल्ली जाना है, काम है, चंडीगढ़ जाना है, तो फिर मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, इसलिए भी। तो आप सबको भी, मतलब जो भी गणपति को लाए हैं और जो नहीं लाए हैं, उन सबको भी तरफ से सारी ब्लेसिंग, सबके आपके घर पे सुख संपत्ति खुशियाँ सब प्राप्त हो, और गणपति बापा और यार। तो आज अभी तो बप्पा आए हैं, लेकिन बप्पा अकेले नहीं आए हैं इस बार। इस बार बप्पा कुछ खुशखबरी लेके आ रहे हैं। अगले साल आपको एक और छोटे बप्पा मिलेंगे। बप्पा नहीं मिलेंगे जो भी है, तो खुशखबरी है। आपने आई थिंक बहुत हमारी कुछ सहेलियां तो काफी व्योमकेश पक्षी तो उन्होंने पता लगा लिया था, कुछ उनको अंदाजा तो हो गया था, बट खुशखबरी है, अब जल्दी ही आपको, जल्दी नहीं है बाबू, बहुत अभी लगेगा 6 महीने। तो गाइस अभी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर मैं सच कहूँ तो। ऐसे तो घर के सारे बड़े कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप भी फैमिली हो, फैमिली में बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ऐसा कोई टाइटल भी नहीं डालने वाली, ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो आप सब लोगों ने सही गैस किया था, तो इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन आप सब मौसी बनने वाले हो, सारे सखा मामा बनने वाले हैं तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और मैंने सोचा था कि जिस दिन बप्पा घर आ जाएंगे उस दिन मैं आप सबको बता दूँगी, क्योंकि क्या छुपाना है इसमें अब। और अगर मैं अभी सच कहूँ तो 2.5 महीने ही हुए हैं, अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं गाइस। तो बस अपना आशीर्वाद देना। और मंजू, आज तेरे लिए सच में गुड न्यूज़ है, क्योंकि 6 साल से मेरी कुछ सखियों में से फर्स्ट नंबर पे जो मंजू है, वो हमेशा कहती दीदी गुड न्यूज़ है, दीदी गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ है, और तू मौसी बनने वाली है। और बस प्रे करना अगले साल हमारे घर प्यारी सी हमारी गुड़िया आ जाए और फैमिली कंप्लीट हो जाए हमारी। तो बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए और बहुत सारा प्यार चाहिए। तो मुझे पता है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और नेहा गुलेरिया मेरी एक फ्रेंड जो मुझे हमेशा कहती थी पार्थू के लिए, तो नेहा तुम्हारा भी सपना पूरा हुआ और हमारा भी सपना पूरा हुआ। तो बस हाँ, सबसे ज़्यादा खुश है खाला जान। अरे खाला जान तो भाई गाइस, खाला जान की खुशी उनको तो ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले दे सबसे, उनको उनको परिवार के साथ जब पता चला तो उनको सबसे पहले, क्योंकि वो माँ की तरह ही है, तरह नहीं है, वो माँ ही है मेरी। और पता नहीं कोई दूर करे उन्होंने, मैंने जब इस बात को सोचा भी नहीं था ना दोस्तों, तो उन्होंने इस बात की पहले ही दुआ मांग रखी थी। मैं आपको उनका वॉइस ओवर जरूर जरूर सुनाऊंगी, और इस व्लॉग में नहीं, शायद हो सके तो डाल देंगे, लेकिन आप अगर सुनेंगे तो मेरे और अनूप के आंसू आ गए थे जब हमने खाला की बातें सुनी थी। मैं और अनूप लिटरली रोने लगे थे, हमें लीना और खाला जान इतनी ज़्यादा खुश थे कि मैं अपनी खुशी भूल गई कि इतना भी कोई प्यार कर सकता, इतना भी कोई दुआएं करता। और पार्थू के लिए, उनका जो सारा प्यार है ना वो सिर्फ पार्थू के लिए है,
और असल में वो पार्ट के लिए बहुत परेशान रहती थी, उन्होंने बताया, तो वो सब आपको मिलेगा सुनिएगा। तबीयत सही नहीं रहती है बहुत ज़्यादा, तो बस जैसा हो रहा है वैसे कर पा रही हूँ। बस मुबारक हो आप सबको भी, बहुत बहुत मुबारक हो। और गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तुम बेटी ला, तो बस मेरे लिए प्रे करना कि हमारी बेटी हो और सब बहुत अच्छे से, सब अच्छे से हो जाए। हाँ बेटा। हेलो दक्ष, दर्शन कर लो गणपति बप्पा। वहां पे हो गई पूजा नीचे? वेरी गुड, भगवान जी खूब अच्छी अच्छी बुद्धि दे, खूब बड़ा इंसान बनाना पप्पा। पार्ट लो, प्रसाद लो। हाँ क्या सोचा था? वेरी गुड, आना था ना, आना को भी लाना सब बच्चे। ये हाँ, तुम मोदक दो भाई उनको, दोस्त को एक। बप्पा से ना सद्बुद्धि विद्या मांगो, बप्पा विद्या देते हैं बहुत सारी, है ना। लो ये मैंने सब बच्चों के लिए तो रखा है कि सारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो उनको मोदक दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ना बप्पा के लिए बेसन का लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि बप्पा घर आए और मैं अपने हाथ से बेसन के लड्डू ना बना के खिलाऊँ। तो थोड़ी सी 5-6 चम्मच सूजी को बारीक मिक्सी में पीसा वो डाला है, तो इससे क्या होता है ना बेसन चिपकता नहीं है मुंह में। तो पहले सूजी थोड़ी मोटी होती है, इसलिए थोड़ा सा 2-3 मिनट सूजी को भून के देन इसके बाद बेसन भूनूंगी। और मैं ना बिना अंदाजे के बना रही हूँ, तो बस फटाफट से हाँ ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी इसमें। तो दोस्तों इस वक्त तो मुझे मेरा घर मेरा जैसा ही नहीं लगता, ऐसा लगता है पता नहीं किसके घर में रह रही हूँ। और अपनी तरफ से अनुप तो बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे एक औरत करती है, जैसे एक अपनी आदत होती है ना, वैसा काम तो नहीं हो पाता, तो चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं अभी घर में। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को समेटूँ, ये सब करूँ। तो बस अभी थोड़े दिन पहले ही मैं उठ के अब काम करना शुरू किया है, आप लास्ट वीक से लगा दो थोड़ा बहुत कर रही हूँ मैं काम वाम। अभी तो मैंने अनुप से बोला ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा उतना तो बप्पा के लिए मैं करूँगी। साथ में आज ये बना रही हूँ बेसन के लड्डू, और दिन में बिना लहसुन प्याज वाली कड़ी और चावल का भोग पप्पा को लगाऊंगी। बस फटाफट से रात के लिए जो भी बनेगा वो बनाऊंगी। और पार्थू गया नीचे, तो रात को पप्पा आ रहे थे, बहुत खुशी हो रही थी उनको जब यहाँ पे पूरे ढोल नगाड़ों के संग, जैसे मैंने आपको पिछले साल सुनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही पप्पा आए थे। और इतना अच्छा माहौल था, मैं क्या बताऊँ, नाचू नाचू लग रहा था मैं बालकनी में खड़े होके, मेरे पैर थिरक रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी ना उनको देख के। तो बस ये 7-8 दिन 10 दिन कैसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, आप सबके जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो, बस यही प्रार्थना करती हूँ दोस्तों। मैंने बेसन डाल दिया इसमें, अभी ये ऐसा लग रहा है कि इसमें घी कम है, लेकिन जैसे ये भुन जाएगा ना तो ये घी छोड़ेगा, इसलिए फिर अगर ज़्यादा घी डालेंगे तो लड्डू अच्छे नहीं बनते, वो पिघलने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा भी आपको घी कम दिख रहा है, लेकिन घी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसमें ना मैंने 1/2 चम्मच हल्दी घी डाल दिया था अभी, और यहाँ पर रंग थोड़ा अजीब दिख रहा है लेकिन लाइट येलो कलर है, दोनों क्यों दिखता है ऐसा, तो खैर लो ऐसे देखो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी तैयार रखा है, ऐसे छींटे मारने पड़ेंगे ना ताकि ये दानेदार हो जाए। ये देखो अब आप ऑयल ये छोड़ने लगा, और अभी ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और अब आप देख सकते हो कैसा दानेदार हो गया है। तो सब इसको ठंडा करके यहाँ प्लेट में निकाल लूँगी, तब तक ड्राई फ्रूट ऐसे ड्राई रोस्ट करके, मखाना बादाम ये दो चीज़ बस, और तो बस थोड़े से बादाम और थोड़ा सा मखाना, इतने ही मखाने में, अरे 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 घी। तो यहाँ पर मैंने मखाना बादाम दोनों ही फ्राई कर लिया, और इसी में मैंने इलायची पीसी थी, थोड़ी सी चीनी डाल के 2 चम्मच, तो उसी में पीस दे रही हूँ और अच्छी खुशबू आएगी। तो देखो गाइस ये पीस चुका है, और इतना ही बारीक पीसना है, इसको पाउडर जैसा बनाना है ताकि मुंह में ना मोटा मोटा ना आए। कई बार बच्चे खाते हैं ना उनको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं होते, तो ये थोड़ा इलायची पाउडर मैंने डाल के रखा था। ये देखो दर दरा हो रहा है एकदम, आप देख भी सकते हो, वरना खाली बेसन बनाएंगे ना तो वो मुँह में ना चिपकता है तालू में जाके, अब नहीं चिपकेगा। अब इसमें सिर्फ तगार डालना है। तो ये देखो ये भी डाल दिया है मैंने बूरा इसमें अच्छे से,
अब इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छे से, और कुछ नहीं करना है, गोल गोल लड्डू बनाने हैं। जब थोड़ा हल्का गुनगुना गरम हो, ठंडे में नहीं बनेंगे, तो अभी गरम है। अब मैं इसको हाथ से बनाने लगी हूँ, फाइनल बना के ही आपको दिखाती हूँ। तो ये गाइस मैं शूट करती रही, मुझे पता ही नहीं चला। खैर ये लड्डू बन गए हैं, और ये ऐसे मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये ना दरदरे बने हैं ऐसे देखोगे आप। तो अभी बहुत गर्म है इसलिए थोड़े से मेल्ट हो रहे हैं, जैसे ही सूख जाएंगे ना तो बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। और ये आज मैंने अपने पप्पा के लिए बेसन के लड्डू बना दिए हैं, साथ खाना भी बना रही हूँ। और बस ये गए, मैं इतनी देर से लड्डू बना के शूट कर रही थी, अब मेरी दोबारा हिम्मत नहीं है, तो मैंने बोला पप्पा का लड्डू। ये लड्डू मैंने इनके हाथ में रखे थे, 3 बार लड्डू गिरा दिए पप्पा ने, तो मैं समझ गई कि भाई हाथ के ही लड्डू चाहिए उनको। लो भूख लगा। इस बार हाथ है ना इनका ऐसे बना हुआ है देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, गिरने का डर है, पर पप्पा पकड़ना तो पड़ेगा ना। तो गाइस अभी भावना आ गई थी, देखो मेरा पूरा किचन समेट के चली गई, बर्तन भी मांज दिए उसने आके। और यहाँ पे मैंने लाइट बंद है किचन की अभी, तो ये ऐसा काला काला दिखेगा, ये कढ़ी और तो चावल दोनों ही बिना लहसुन प्याज के है गाइस, तो ऐसा थोड़ा रंग अजीब दिखेगा। बच्चे वहाँ नीचे पांडाल में हैं, बस खुश हो गई मैं, मेरे से ना फैला रखा था मैंने पूरा का पूरा, अब हो गया। तो आज का पूरा दिन तो त्यौहार त्यौहार ही हो रखा था, खाना वाना खा लिया, तो नीचे कले कंपटीशन है बच्चों का, तो ये देखो मैंने एक छोटे बच्चे के लिए गणपति, वो उससे तो बन ही नहीं रहा था, वो 6 साल का था, मैंने कहा ला तेरे लिए मैं बना दूँ, तो खुश हो गया बहुत ज़्यादा। और फिर पार्थू और उसके दोस्त को मैंने बोला आप दोनों अपने आप बनाओ, और फिर ये देखो ये तीनों लगे रहे आज पूरा दिन। और अनूप जाके फिर खाना वाना खा लिया था, तो बर्तन वर्तन मांज रहे थे, और अब मैं चली रेस्ट करने, क्योंकि आज तो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था सुबह से जो उठ के। एंड इवनिंग में फिर हम यहाँ बैठ के अपने ही पुराने व्लॉग देख रहे थे गणपति के, और पप्पा को भी देख के बहुत खुशी हो रही थी। तब तक यहाँ पे पार्थू के दोस्त ने जो आज दिन भर बैठ के बनाया वो ये रहा, मेरा पार्थू बिल्कुल नहीं बना पाया, तो फिर उसके लिए मैंने दोबारा से बनाया, क्योंकि वो रोने लग गया मम्मा मुझसे बन ही नहीं रहे, मैंने कहा ला, फिर ये मैंने पप्पा उसको बना के दिए। और शाम को फिर हमारे लैंडलॉर्ड घर आए पप्पा के दर्शन के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो प्रिंसेस। तो भाई हमारे घर आए हैं हमारी दिशा भाभी और भैया जो कि हमारे लैंडलॉर्ड हैं, और उनकी प्यारी सी बेटी, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंसेगी, हाँ देखो हंसी, हंसो हंसो, स्माइल कर दो। क्या खाया, लड्डू, लड्डू खाया, अब तो खूब पहचानती है ना। हाँ हाँ मुझे तो हमारी भावना का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भावना, चलो भाई काम करके चली गई, कर दूंगी इसके। लो भाई वंशिका भी आई है, वंशिका को वीडियो में आना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है ना। चलो चलो कर लो, आप प्रणाम कर लो। तो बस दोस्तों इसी तरह आज का पूरा दिन हुआ, फिर अनूप काम पे चले गए अपने, रात को बहुत लेट आए, पार्थू नीचे 11 बजे तक बच्चों के संग खेलता रहा, मैं और भाभी काफ़ी देर तक बातें करते रहे, फिर मैंने खाना बनाया खाया और मैं जाके सो गई। तो बस इसी तरह बीता मेरा गणेश चतुर्थी का पहला दिन, होप आपका दिन अच्छा व्यतीत हुआ हो। तो मिलते हैं अब पता नहीं कब, लेकिन जल्दी ही। बाय बाय दोस्तों।